तो फ्रेंड्स देखिए मेरे तिल गुड़ का लड्डू जो है वो बनकर तैयार हो गया, और देखिए कितना शाइन कर रहा है और कितना अच्छा बना है। और ये मैंने सुबह सुबह मतलब बनाया है, मतलब रात को ही बनाना शुरू की थी और सुबह मेरा कंप्लीट हो गया था। तो अभी देखिए तिल गुड़ का लड्डू जो है मेरा बनकर तैयार हो गया है, और इसमें मैंने थोड़ा सा जो है वो मावा यूज किया है और तिल और गुड़, और इसके अलावा मैंने कुछ भी यहाँ पे यूज नहीं किया है। तो आप भी अपने घर पे इस तरह से तिल और गुड़ का लड्डू जो है वो बना सकते हैं। अभी जो है मकर संक्रांति आ रही है, और मकर संक्रांति के अवसर पर हम मतलब 14 जनवरी जो है वो मकर संक्रांति के रूप में मनाया जाता है, और बहुत सारे घरों में जो है तिल गुड़ का काफ़ी महत्व होता है। तो हम लोग भी मतलब तिल गुड़ का लड्डू जो है बनाते हैं, तिल गुड़ खाते हैं, और भी बहुत सारे फॉर्मेट में हम लोग तिल को यूज करते हैं। तो आज मैं बनाने वाली हूँ तिल गुड़ का लड्डू जो अक्सर हम लोगों के घरों में बनता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ में बेल आइकन को दबाकर ऑल पर जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो तिल गुड़ का लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले देखिए हमने कढ़ाई को गर्म किया, और यहाँ पे थोड़ा सा मैं सौंफ को रोस्ट कर रही हूँ क्योंकि मैं इसको इसमें यूज़ करने वाली हूँ। वैसे भी सौंफ जो है हम लोग अक्सर घर में रखते हैं और खाना खाने के बाद थोड़ा सा सौंफ खाते हैं जो हमारे हेल्थ के लिए अच्छा होता है। तो सौंफ को मैं थोड़ा सा रोस्ट करके इसका एक पाउडर बनाऊंगी। तो थोड़ा सा हमने सौंफ को रोस्ट कर लिया है, सौंफ मेरा रोस्ट हो गया है, तो भी इसको मैं एक प्लेट में निकाल लेती हूँ, और जब ये ठंडा हो जाएगा तो इसको मैं एक पाउडर जो है वो बनाऊंगी और इसको मैं यूज करने वाली हूँ इस तिल गुड़ के लड्डू में। और यहाँ पर देखिए मैंने एक कटोरी के अराउंड तिल लिया है, जो आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, जितने लोग का आप बनाना चाहते हैं उतना लोगों का उसी के अकॉर्डिंग आप तिल ले सकते हैं। तो अभी मैंने 2 लोगों का लड्डू बनाना है तो मैंने थोड़ा सा ही तिल लिया है, और तिल को ना 2 से 3 मिनट तक रोस्ट करना है। 2 से 3 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे रोस्ट कीजिएगा तो तिल जो है खुद ब खुद तड़कने लगता है, इससे चटक की आवाज़ आने लगती है। तो समझिए आपका तिल जो है वो रोस्ट हो गया है। आप इसको खाकर भी देख सकते हैं, जब इसको दांत के नीचे दबाएंगे तो ये जो है पूरा क्रंची लगेगा। समझिए आपका तिल जो है वो रोस्ट हो गया। अभी मैंने तिल को बाहर निकाल लिया है, और उसी कढ़ाई में मैं थोड़ा सा दूध ली हूँ। ये दूध जो है वो 1 पाव से थोड़ा सा मतलब ज़्यादा है, 1 पाव मतलब 250 ml जो दूध होता है मेरा, ये गाय का दूध है, आप कोई भी दूध ले सकते हैं। मैं इसका थोड़ा सा मावा बनाऊंगी। जब मावा में आप यूज करते हैं ना लड्डू बनाने में, तो जो बाइंडिंग होती है लड्डू की वो काफ़ी अच्छी होती है। और इसी में मैंने यहाँ पे गुड़ ले लिया है, गुड़ है यह भूरा है, गुड़ का चूरा जिसे हम लोग बोलते हैं। तो आप जो भी लेना चाहते हैं गुड़ जो है वो भी क्रश करके ले सकते हैं। रावा जो होता है, पहले घर में जो रावा रहता था जो गन्ने का रस का जो बनाया जाता है, वो भी आप ले सकते हैं, उसका भी काफ़ी अच्छा लाई। और गुड़ जो है तिल का जो लड्डू बनता है वो भी काफ़ी अच्छा बनता है। तो यहाँ पे मैंने भूरा लिया है, और भूरा और जो मावा है दोनों को अच्छे से मिक्स करूँगी और अच्छे से खौलाऊँगी इसको मीडियम फ्लेम पे। देखिए मेरा गुड़ जो है वो चटकना जो मतलब शुरू हो गया, इसमें जब ताड़ हल्का हल्का बनने लगे तो समझिए कि आपका गुड़ जो है वो तैयार हो गया है लड्डू बनाने के लिए। अभी थोड़ा सा इसमें हम लोग 1 चम्मच सौंफ का पाउडर जो भी हमने रोस्ट करके रखा था उसको मैंने पीस लिया है, उसको मैं यूज करूँगी और अच्छे से जो है इसको मिला लूँगी। इससे जो है लड्डू में काफ़ी अच्छा फ्लेवर आएगा, क्योंकि सौंफ जो है हमारे हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा होता है और इसकी खुशबू जो है काफ़ी अच्छी होती है। थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे सौंठ का पाउडर भी यूज करेंगे। सौंठ जो होता है वो सूखा हुआ अदरक होता है, इससे भी काफ़ी अच्छा फ्लेवर आता है, और सर्दियों में जो है ये काफ़ी अच्छा हम लोगों को फ़ायदा पहुँचाता है। तो आप चाहे तो अदरक भी ले सकते हैं, अदरक को कद्दूकस कर लीजिए उसको डाल लीजिए, या फिर कुछ कर इसको डाल दीजिए इसमें। अभी मैं जो भुना हुआ तिल मैंने रखा था वो मेरा ठंडा हो गया है, तो अभी इसको मैं यहाँ पे डाल दे रही हूँ। देखिए मेरा जो ताड़ इसमें आने लगता है तभी डालिए, तब जो है आपका लड्डू जो है काफ़ी अच्छा बनेगा। तो अभी देखिए मेरा जो मैंने डाल दिया, और इसको अच्छे से हम लोग मिक्स कर लेंगे, और इस टाइम पर गैस को आपको ऑफ कर देना है ताकि जो है अच्छे से आप इसको मिक्स कर जाएँ कर ले जब ताड़ जब तिल डालते हैं उसके बाद आपको गैस को ऑन रखने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए और थोड़ा सा इसको बस ठंडा होने दीजिए। ज़्यादा ठंडा कर देंगे तो आपका लड्डू जो है वो बंधेगा नहीं, वो फिर वैसे ही रह जाएगा, आपको ऐसे ही खाना पड़ेगा। तो अभी मेरा देखिए थोड़ा सा अभी ठंडा हो गया है, तो मैं इसको क्या करूँगी इसका लड्डू बनाना मैं शुरू करती हूँ। तो थोड़ा सा आपको ठंडा पानी लेना है, मतलब नॉर्मल वाटर आपको लेना है, उसके बाद थोड़ा सा आप हाथ पे पानी लगा दीजिए और इस तरह से एक एक करके आपको लड्डू को बना लेना है। क्योंकि ये गरम गरम जब बनाते हैं ना तो कभी कभी हाथ में जब ज़्यादा गर्म रहता है तो छाला भी पड़ जाता है, तो आपको सावधानी रखनी है कि आपको एकदम ज़्यादा गर्म नहीं रखना है और
जब भी बनाते हैं तो उसके पहले थोड़ा सा पानी आप हाथ में यूज कर लेंगे तो वो आपको थोड़ा सा अच्छा लगेगा और लड्डू भी आपका काफ़ी अच्छा बनेगा। तो इसी तरह से आपको सारा लड्डू जो है वो बना लेना है। आपको लगता है कि लड्डू मेरा नहीं बन रहा है, नहीं हो रहा है, तो आपको फिर से इसको गर्म करना है, क्योंकि आपका इसमें जो है अच्छा से नहीं बन रहा है, ठंडा हो गया है। तो आप दोबारा जो है कढ़ाई को गर्म कर लीजिए, फिर से 5-6 मिनट तक इसको अच्छे से गर्म कीजिए, उसके बाद दोबारा लाई बनाएंगे तो फिर से आपका लाई जो है वो मतलब बनना शुरू हो जाए। तो मेरा भी थोड़ा सा देखिए ठंडा हो गया है, तो थोड़ा सा लड्डू बनने में थोड़ा सा हम लोगों को दिक्कत होता है, तो आप जो है बीच बीच में गर्म करते रहिए, उसके बाद लड्डू बनाएंगे तो आपका लड्डू जो है बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। तो देखिए अभी मेरा देखिए बिल्कुल लड्डू किस तरह से बनकर तैयार हो गया और एक लड्डू जो है कितना चमक रहा है। तो इसमें मैंने केवल 3 ही चीज़ यूज़ किया है, थोड़ा सा मैं इसमें मावा डाली हूँ, थोड़ा सा गुड़ और तिल डाली हूँ, यही 3 चीज़ मिलाकर मैंने ये लड्डू जो है वो बनाया। और ये मकर संक्रांति में मतलब हर जगह पर खाया जाता है, 14 जनवरी जो होता है काफ़ी मतलब पॉपुलर फेस्टिवल है, हर जगह जो है मनाया जाता है किसी न किसी रूप में। तो यहाँ पे तिल गुड़ का जो है हम लोगों के घर में काफ़ी महत्व होता है, हम लोग तिल गुड़ खाते हैं, तिल को किसी भी रूप में आप खा सकते हैं, तिल गुड़ के रूप में, तिलवा के रूप में, गजक के रूप में, चिक्की के रूप में, लड्डू के रूप में, जैसे भी आप खाना चाहें खा सकते हैं। तो इस तरह से मेरा सारा तिल का लड्डू बनकर तैयार हो गया है, तो आप भी अपने घर पर इस तरह से एक बार तिल का लड्डू जरूर ट्राई करें। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए रेसिपी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।